उत्तराखंड के रुड़की में गंग नहर कोतवाली पुलिस ने दो शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। शातिर मोबाइल लुटेरे अपाची बाइक से लोगों से मोबाइल झपट कर फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस के लिए भी दोनों लुटेरे एक चुनौती बन गए थे। पकड़े गए लुटेरों का तीसरा साथी अर्पित अभी फरार है। दोनों मोबाइल लुटेरे शोएब और शाहरुख भगवानपुर के निवासी हैं, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। दोनों के पास से पुलिस ने एक कीमती मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि रुड़की और हरिद्वार में तीनों लुटेरे बेहद सक्रिय थे। पुलिस लंबे समय से लुटेरों को ट्रेस करने में लगी थी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। अक्टूबर माह के 27 तारीख में मोबाइल की लूट हुई थी। तीन लड़कों ने मिलकर, एक व्यक्ति जावेद है, उनका मोबाइल लूट लिया था, जिसमें कल गंग नहर पुलिस द्वारा उसमें दो मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम शाहरुख और एक का नाम शोएब है। ये दोनों भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इनसे और भी तथ्य प्रकाश में आए, जिसमें इन्होंने ये बताया कि और भी बाइक लूट की घटनाएं, मोबाइल लूट की घटनाएं इन्होंने की हैं। उसकी कहीं रिपोर्ट दर्ज है, कहीं नहीं दर्ज है, उसकी जाँच की जा रही है। और हरिद्वार के अलावा सहारनपुर और बिजनौर क्षेत्र में भी इन्होंने मोबाइल लूटे हैं, जिसकी वहां के संबंधित थानों से पूछताछ की जा रही है। अपाचे वाहन प्रयोग करते हैं, उसमें बाइक प्रयोग करते हैं, जो जिससे कि ये मोबाइल लूटते हैं, झटके से मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। इनकी बातचीत से स्पष्ट हुआ कि ये कई घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए थे पुलिस के द्वारा। अब पहली बार ये पकड़े गए हैं, पुलिस इन्हें रिमांड पर लेगी और तथ्य जो प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों लड़के एक साथ लौटते थे और जो अर्पित है उसके साथ एक मोबाइल की दुकान से उसका परिचय था, जिसमें वो मोबाइल उन्हें दे दिया करता था। और वो मोबाइल का दुकान वाला किसी बाहर के आदमी को, जैसे दिल्ली या मुंबई जो काम करने वाला है, उसे मोबाइल भेजता था। उस दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ और मोबाइल की लूट की घटनाएँ सामने आएंगी, उससे तथ्य जो प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। ठीक है सर।